अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुगल सम्राट पीसीबी ट्यूनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जी कि बीएसएफ बुकनियर का ये जो वन वे वाल है, हमने इसका लीकेज कैसे ख़त्म करना है और परमानेंटली इसका क्या हल करना है, ठीक है जी। और नॉर्मली जो इसके अंदर होता है वो मैं आपको अभी खोल के दिखा दूँगा, ठीक है। इसके अंदर एक टेफलॉन का या कह लें या डरन का एक पीस होता है जो कि अक्सर ख़राब हो जाता है। मोस्टली इसके अंदर हमारा यही इशू आता है जो इस पीस के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको खोलेंगे, खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी मेड कैसा होता है और हम इसका परमानेंट हल कैसे निकालेंगे, जिससे हमारा जो नॉर्मल रेगुलर इसका ख़र्चा है इसको रिपेयर का, अगर नेक्स्ट टाइम कभी ख़राब होता है तो वो समझ लें कि 5-7 हज़ार से कम हो के सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपया रह जाएगा आपका, अगर नेक्स्ट टाइम आपका ये कभी भी ख़राब होगा, ठीक है जी। तो हम इसको खोलते हैं। जी ये हमारा वॉल है। अब हमने इसके अंदर से इस पीस को पहले पिन को रिमूव करना है। ये हमारी इसकी पिन है, इसके बाद ये इसको स्प्रिंग को होल्ड करने वाली वॉशर है जी, और ये इसका स्प्रिंग होता है। ये इसके अंदर पीस होता है जो कि कुछ इस हालत में ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, ठीक है। और इसको रिपेयर करना जो सा इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकाल के साइड पे फेंक देंगे, ठीक है। अब हमें इन इशों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और हम इसको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड इस तरह से करेंगे कि हम इसके अंदर एक वन वे वाल्व बनाएंगे जो कि सिर्फ ओरिंग से काम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपका ये ख़राब होगा तो हमें सिर्फ ओरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए ब्रास का एक पीस जो कि तकरीबन इसकी बराबर का हो, ठीक है। ऐसे अंदर चला जाएगा इसके अंदर ये, इसको जब मैं मशीन करूँगा, ठीक है। ये हाई ब्रास है और आई विल रिकमेंड कि आप इसके अंदर हाई ब्रास ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा हमें चाहिए ये 4 मिली की इस तरह की एल्की, ठीक है जी, इस तरह की। अब हम इसके अंदर ऊपर काम करेंगे, इसको बनाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके ऊपर किस तरह से काम किया और इसको मैंने किस तरह से अपग्रेड किया। जी तो हम वापस आ गए हैं जी। मैंने मशीन के ऊपर थोड़ा सा काम किया है, उसके ऊपर जो हमारे पास ब्रास का पीस था मैंने उसको इस तरह से बना दिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो मेरे पास पेच है मैंने उसको इस तरह से इसकी कॉलर बना दी, ठीक है जी। जी अब हम इस पीस को करेंगे जी असम्बल। ये हमने इसको बना दिया, बना के इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी लगाएंगे सिलिकॉन ग्रीस, ठीक है जी। मामूली से हम इसके अंदर इसके ऊपर रिंगों के ऊपर सिलिकॉन ग्रीस लगाएंगे इस जगह के ऊपर और इस रिंग के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला ओरिंग है ये मैंने इसके अंदर डाला है, इसकी ये है जी 2.9 × 1.8, ठीक है। और ये मैं इसके ऊपर इस तरह से इसको टाइट कर दूंगा। ये चीज़ का परमानेंटली हल हो गया। अब जब भी कभी ये गन ख़राब होगी
या यहाँ से कभी लीक होगी, आपको सिर्फ ये ओ रिंग या ये वाला ओ रिंग चेंज करना पड़ेगा। ये वाले दो ओ रिंग आपको चेंज करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको कोई ओ रिंग इसका चेंज नहीं करना पड़ेगा। और इसको बस इतना ही टाइट इन, मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये ओ रिंग इसके ऊपर रख के इसको इसके अंदर पुश कर देंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से ये इसके अंदर पुश हो जाएगा, ठीक है जी। और ये इस तरह से इसके अंदर चला गया। उसके बाद हम इसको इसके अंदर पुश कर देंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम ये लॉक लगा देंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये इसके ऊपर इस तरह से लॉक लग गया। इसका ये ओरिंग ख़राब है, हम इस ओरिंग को भी चेंज कर देंगे। ये ओरिंग है, ये इसके ऊपर मैंने लगा दिया इस तरह से, इसका ओरिंग भी मैंने चेंज कर दिया। ये 20.29x2.6 का ओरिंग है जी। अब हम इसको अपनी गन के अंदर लगा के तो हम चेक करेंगे, आया ये किसी किस्म की कोई लीकेज वगैरह तो नहीं दे रही। जी ये मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर हवा भरेंगे, हवा भर के हम इसको चेक कर लेंगे। देखें ये गन के अंदर हवा फिल हो चुकी है, ठीक है, और गन अब बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है। अब हमें इसकी लीकेज वगैरह चेक करनी है, तो इसके लिए हमारे पास लिक्विड होता है स्पेशल किस्म का, हम उसके ऊपर लगा दें इसकी और देखें किसी किस्म की यहाँ से लीकेज नहीं है, ठीक है। और ये इसका आने वाल सा ये बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है, आगे पीछे भी किसी किस्म की कहीं जगह पर भी लीकेज नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये अब पार्ट्स जो से ज़ाया हो गए हैं, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हमारे, ठीक है, और हमारी इनसे जान छूट गई है। अब जब भी कभी ये गन ख़राब होगी तो हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ओरिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके अलावा हमें इसके अंदर ये पूरे का पूरा पीस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये वाला पीस था ये वैसे भी मिलता नहीं, और अगर मिले भी तो काफ़ी कॉस्टली होगा, ठीक है। और जितने का ये पीस आता है इतने में ये पीस आराम से तैयार हो जाता है। इसकी जो पीस बदलने का, बनाने का और इसकी मशीनें वगैरह के जो मैं चार्जेस ले रहा हूँ, वहाँ 2500 रुपये चार्जेस ले रहा हूँ, ठीक है जी। और आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि इसको किस तरह से रिपेयर करना है या किस तरह से ठीक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।